हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी लेवल्स और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जो कि रहेगा टाइम साइकिल एनालिसिस। सो इफ यू आर न्यू एंड यू डोंट नो अबाउट टाइम साइकिल्स, जस्ट स्टिक टू दिस वीडियो टिल द एंड। आपको कुछ नया न्यूएंसेस जानने को मिलेगा जो कि मैं इस वीडियो के एंड में रिवील करूंगा, और उसके पहले हम देखेंगे लेवल्स मार्क करते हैं हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस के लिए एंड इट इज फॉर 3rd of July। सो उससे पहले देखेंगे कि क्या मोमेंटम रहा है। तो स्टार्टिंग विथ बैंक निफ्टी चार्ट, उसमें हम देख पा रहे हैं कि एक बैरिश कैंडल तो फॉर्म हुआ है आज डेली चार्ट पे, और प्रीवियसली जो रेजिस्टेंस था उसके नजदीक ही इसका जो शेडो बना है वो एक रिजेक्शन दिखा रहा है प्राइस का। नाउ लेट्स सी ऑन 5 मिनट का ये स्पॉट प्राइस चार्ट है बैंक निफ्टी का, एंड दिस इज द फर्स्ट कैंडल 2nd July बुलिश, बट आप देख पा रहे हो उसके बाद स्टॉक प्राइस ऊपर गया बैंक निफ्टी, और जो रेजिस्टेंस हमने मार्क किया था 22,300 के पास स्पॉट लेवल, वहीं उसने एक हाई फॉर्म किया अराउंड 30-40 पॉइंट अपसाइड, और एक स्पिनिंग कैंडल फॉर्म किया। आप देख पा रहे हो, मैं जूम करता हूँ, विच इज नॉट अ गुड साइन, और वो भी एक एक्सटेंडेड रैली के बाद देखने को मिला वन बेयरिश कैंडल। सो प्राइस रिजेक्शन हैपन हियर एंड अ गुड फॉल, सो इट कुड बी योर अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ दिस सडन फॉल। एंड आफ्टर दैट मार्केट वॉज इन साइडवेज ट्रेडिंग अबव एंड अराउंड द लेवल, प्रीवियस लेवल हाई लेवल ऑफ 20,060, और उसके बाद हमको यहाँ पे एक फॉल देखने को मिला। तो ओवरऑल आज जिस तरीके से हमको मार्केट में मूवमेंट देखा कि आफ्टर 2 PM यहाँ पे फिर से प्राइस रिजेक्शन देखने को मिला, और ये बेयर्स की टेरिटरी थी 22,300 के पास, तो वहाँ उसी पास हमको एक कंसोलिडेशन एक डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला और फिर फॉल दिखा। तो यहाँ पे भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था टू मेक गुड मनी बिकॉज ये एक शार्प फॉल था और आज एक्सपायरी था वीकली का, तो वहाँ पे भी आपको अच्छा एक ट्रेड मिल सकता था। वहाँ पे पॉसिबिलिटी ट्रेड थे, कुछ ट्रेड थे जहाँ पे ऑप्शंस काफी अच्छे परसेंटेज वाइज बढ़ते हुए देखने को मिले। करीबन 22,100 का जो पुट ऑप्शंस है उसमें 60 रुपए से लेके 150 रुपए तक का मूवमेंट देखने को मिला। सो इट्स दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी यू विल गेट अगर आप प्राइस से उसको स्पॉट कर पाओ प्रॉपरली तभी। अभी लेवल्स मार्क करेंगे हम, तो सबसे पहला तो आज का ट्रेडिंग सेशन का हाई मार्क कर लेते हैं, इट कम्स अराउंड 22,344 एंड 21,889। तो ये दो लेवल थे आज के ट्रेडिंग सेशन में, हमको हाई और लो हमने मार्क कर लिया। सो अभी हम देखेंगे जो लेवल है वो हम सपोर्ट का मार्क करेंगे बैंक निफ्टी के लिए, और उसके लिए हम यूज करेंगे फिबोनाची का लेवल, और फिबोनाची को हम यहाँ से ये पॉइंट से लेके यहाँ तक अगर एक्सटेंड करते हैं तो करीबन जो 61% का जो रिट्रेसमेंट दिख रहा है वो हमको 21,650 के रेंज में दिख रहा है। तो मैं वो लेवल पहले मार्क कर लेता हूँ, और आप देख पा रहे हो कि अभी मैं फिबोनाची को रिप्लेस कर दे रहा हूँ जो कि 61% का एक रिट्रेसमेंट है, और एग्जैक्टली सेम लेवल पे हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, प्राइस रिजेक्शन, यहाँ रेजिस्टेंस, और वो लेवल ब्रेकआउट हमको यहाँ से दिखा, रैली देखना होगा। तो माइट पॉसिबल ये लेवल्स पे बैंक निफ्टी एक सपोर्ट ले सकता है अगर वो करेक्ट होता है तो उसको ध्यान में रखिए। और अभी हम रेजिस्टेंस लेवल मार्क करें तो रेजिस्टेंस हमको जो मार्क करना है वो हम करेंगे 22,500 के पास, और उसका जो लेवल है वो हमको ये जो प्रीवियसली जो हाई दिख रहा है उसके पास हम राउंड फिगर नंबर एक यूज करेंगे, और 22,500 का लेवल हम मार्क कर रहे हैं क्योंकि 22,500 एक राउंड नंबर भी हुआ, एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी, और यहाँ पे एक स्विंग का रेजिस्टेंस भी बना हुआ है ऑलरेडी जो करीबन 22,470 के पास है, इसलिए हमने उसको राउंड नंबर लिया है 22,500 का। सो ये लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं निफ्टी बैंक के लिए स्पेशली। अभी मार्क करेंगे निफ्टी इंडेक्स के लेवल्स और देखेंगे मूवमेंट क्या रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो अच्छा मूवमेंट रहा है, ओपनिंग यहाँ पे देखने को मिला और एक अच्छा सा मोमेंटम भी देखने को मिला हमको, ओवरऑल अपसाइड का ही देखने को मिला आज, और उसके बाद हम देख पा रहे
हाँ, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे, ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते थे, निफ्टी फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते थे। सो नाउ लेट्स सी, लेवल्स मार्क करेंगे हम, जिसमें हाई और लो पहले मार्क कर लेंगे हम। TN 598 का लेवल हमने मार्क किया है, इम्पोर्टेंट, जो आज का डे का हाई है, और जो लो है वो 10,488 का लेवल हमने मार्क कर लिया है, 10,488। हाई और लो हम ऑलवेज मार्क करते हैं, वो अच्छा वर्क करते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अभी हमको देखना है कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट कहाँ पे देखने को मिलता है और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस कहाँ पे देखने को मिलता है। तो सपोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे एक गैप का हमको एरिया दिख रहा है, और यहाँ पे जो प्रीवियसली एक जो एरिया हमने मार्क किया है, जो लो फॉर्म हुआ वहाँ पे 2 बार सपोर्ट भी दिया, तो ओवरऑल यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लो का सपोर्ट तो इंटेक दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे गैप का एक सपोर्ट दिख रहा है, बिकॉज ऑफ दिस गैप सो लेवल्स कम अराउंड 10,450 का लेवल हमको देखने को मिल सकता है, जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो सकता है फॉर निफ्टी इंडेक्स। अभी हमको देखना है कि बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस कहाँ देखने को मिले। तो यहाँ पे कहीं पे भी एक कोई भी स्विंग हाई या कैंडलस्टिक का हाई लो गैप कुछ भी यहाँ पे दिख नहीं रहा पिछले काफी टाइम से। हम यहाँ पे सिंपल रेशियो यूज करेंगे फिबोनाची का, और उसका 161% का हम लेवल निकाले, करीबन 10,650 का एक राउंड नंबर हमको मिल रहा है, तो उसको हम मार्क करेंगे। 10,630 का है राउंड फिगर में, हम 10,650 का लेवल हम मार्क कर रहे हैं एज ए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी इंडेक्स। सो दीज आर द लेवल्स टू बी वॉच आउट फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन इन निफ्टी। 10,448 इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड 10,650 इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस, एंड फॉर बैंक निफ्टी 21,650 इज इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड 22,500 इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस। अभी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि हम इम्पोर्टेंट टाइम साइकिल देखेंगे, तो लेट्स चेक द टाइम साइकिल, क्या उसमें मोमेंटम हो सकता है। सो राइट नाउ डेट इज अराउंड, आज का दिन में 2 जुलाई कंप्लीट हो चुका है, और आने वाले ट्रेडिंग सेशन 3 जुलाई और हमको 3 जुलाई को देखने को मिलेगा, जो कि फ्राइडे रहेगा। उसके बाद हमको वीकेंड्स दिखेंगे। बट इम्पोर्टेंटली ये मैं क्यों बता रहा हूँ, तो आप देख पाओगे हम प्रीवियसली चलते हैं, ये 2020 का जुलाई का 3rd और 4th की डेट अराउंड है, हम चलेंगे 2019 और वहाँ पे चेक करेंगे यही डेट के ऊपर। तो ये हो गया जून महीना, और यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे समवेयर अराउंड हियर। आप नीचे डेट देख पाओगे, जो 5 जुलाई, 4 जुलाई, 3 जुलाई। सो आई वुड लाइक टू से कि जब भी ये जो साइकिल है, टाइम साइकिल, डेट्स की बात करूँ पर्टिकुलरली, टाइम है ना, टाइम डेट, वो करीबन 4th और 5th जुलाई बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, और यहाँ पे हमको मार्केट रिवर्स होते हुए दिखा था। और अगर उस डेट है तो 4th और 5th जुलाई के बाद ही दिखा, उसके बाद एक बड़ा ट्रेंड एस्टेब्लिश होते हुए दिखा। ये हो गया बैंक निफ्टी इंडेक्स में, और उसमें काफी बड़ा मूव देखने को मिला। अगर हायर लेवल से देखे और लोअर लेवल्स का करेक्शन देखे, तो ऑलमोस्ट 14-15% का मूव करेक्शन देखने को मिला। ये हो गया 2019 का बाद। अगर हम और एक लेवल साल पीछे चले, यही टाइम जोन में 2018 में, तो वहां पे हमको ये 3rd जुलाई का आपको नीचे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए डेट है 2nd जुलाई 2018, 3rd जुलाई एंड 4th जुलाई। सो 4th एंड 5th अराउंड अगेन अ वेरी गुड एरिया एंड टाइम, वहां से ट्रेंड चेंज हुआ है और नया ट्रेंड एस्टेब्लिश हुआ है, और इस साइड इस बार हमको अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है ओवरऑल आफ्टर 4th एंड 5th जुलाई। अगर उसका लेवर लेवल से परसेंटेज वाइज मूव देखे, तो इट्स ऑलमोस्ट 8 एंड 9% मूव। और एक साल पीछे चलते हैं हम 2017 में, और यही मंथ में हम आगे बढ़ते हैं जुलाई मंथ में, तो ये हो गया जून, ये यहाँ पे हमको दिस इज द एरिया, मैं जूम कर लेता हूँ, आप देख पा रहे हो 30 जून एंड इट इज 4th 5th जून, और अगेन एट 4th 5th जून आफ्टर दिस डेट्स वेरी गुड ट्रेंड इन बैंक निफ्टी अगेन। और यहाँ पे अगर लोअर लेवल से हम परसेंटेज टर्म की बात करें, तो इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 8% मूव ऑन अपसाइड। सो
So, in a conclusion, the dates of 4th, 5th July since last 3 years has been very crucial for markets. ये डेट्स के बाद मार्केट, ये टाइम साइकिल के बाद मार्केट एक अच्छा ट्रेंड कैप्चर, एक मेजर कर, एक अच्छा ट्रेंड कैच करता है, अच्छे ट्रेंडेड मूव देखने को मिलता है. और हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आफ्टर मे हमको यहाँ से एक साइड में ही एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है. तो एक अच्छा सा ट्रेंड हमको आने वाले कुछ टाइम के अंदर देखने को मिल सकता है. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एनालिसिस एंड आई होप आई एड something new in your knowledge. I have added value addition in your knowledge. So if you like this video, hit the like button for the new knowledge and keep share this video to others and do subscribe my channel. Thank you so much.